सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस शेयर किए जाते हैं। इसमें कुछ फनी होते हैं, कुछ शॉकिंग और कुछ आश्चर्यचकित करने वाले। किस्मत की कीमत दिखाने वाला भी कई वीडियोस शेयर किए जाते हैं। इन्हें देखने के बाद एहसास होता है कि वाकई किस्मत भी कोई चीज होती है। कुछ सेकंड के अंतराल में इंसान हादसों को कैसे स्किप कर जाता है, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने शेयर किया। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि अब इस पूरे वीकेंड वो यही सोचते रहेंगे, यूनिवर्स इस शख्स को क्या इशारा कर रही थी। आनंद महिंद्रा द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए जाने के बाद ये वीडियो वायरल हो गया। इसमें दिखाई दे रहा है कि शख्स के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद उसे सिर्फ भाग्यशाली ही कहा जा सकता है। अगर उसकी किस्मत तेज नहीं होती तो शायद वो बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता था। वीडियो ने इतने बड़े बिजनेस टाइकून को भी शॉक कर दिया। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जाने इस शख्स को क्या इशारा मिला। साथ ही उन्होंने लोगों से भी सवाल किया कि अगर इस शख्स की जगह वो होते तो उनके दिमाग में इसके बाद क्या चलता। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसकना किसे कहते हैं ये समझ आ जाएगा। इस वीडियो में एक शख्स आराम से सड़क के किनारे चलता नजर आ रहा है। उसे रोड के किनारे ही एक दुकान में जाना था। इसके लिए जब उसने दुकान के आगे का एरिया क्रॉस किया तो अचानक ही नाली के ऊपर वाला सीमेंट का स्लेब ध्वस्त हो गया। शख्स के पैरों के नीचे से वहां की जमीन नीचे गिर गई और शख्स तुरंत सतर्क होकर किनारे तक आ गया। शख्स के पैरों के नीचे जहां की जमीन टूटी थी वहां नाला था। अगर शख्स को कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो वो सीधे नाले में जा गिरता। हादसे के बाद कई लोगों को बाहर आकर शख्स से उसकी किस्मत की चर्चा करते देखा गया। ये पूरा हादसा दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लोगों ने अभी तक इसे हजारों बार देखा है। ये वीडियो अपने आप में खास बन चुका है क्योंकि इसे आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेस टाइकून ने शेयर किया है और साथ ही वो इसको देख कर शॉक भी रह गए। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप भी शॉक्ड रह गए होंगे। अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।